मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का तलबा का सरकारी कर्जों पर सूद माफ करने का ऐलान। 75% कैनेडियन तालबे इल्म हुकूमती कर्जों पर इन्हिसार करते हैं। ट्रूडो का कहना है कि तलबा की कामयाबी में तआवुन करते रहेंगे। कैनेडियन वजीर आजम इंडोनेशिया, सिंगापुर और भारत के तूफानी दौरे के लिए एशिया का दौरा करेंगे। ट्रूडो नई दिल्ली रहनुमाओं की सरबराही कॉन्फ्रेंस G20 में शिरकत करेंगे। ट्रूडो हर मुल्क में सिर्फ 2 दिन गुजारेंगे। टोरंटो में गर्म मौसम लौट आने का इम्कान। वीकेंड पर शहर का दर्जा हरारत गर्म रहने की तवक्को। टोरंटो सिटी ने 10 आउटडोर पोल्स के इख्तितामी तारीखों में 3 हफ्तों की तौसी कर दी। समंदरी तूफान फ्लोरिडा से टकरा गया। 3 अमरीकी रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। तूफान 125 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं के साथ मगरबी साहिलों से टकराया। 2 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। दोबारा सदर बना तो मुखालफीन के साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे साथ हो रहा है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को वार्निंग जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे खिलाफ तमाम केसेस के पीछे जो बाइडन का हाथ है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ke wazir azam Justin Trudeau ne tulba ka sarkari qarzon par sood maaf kar diya. Unhone kaha ki hum chuttiyon ke baad tulba ki तालीमी इदारों में वापसी पर उनकी कामयाबी में तआवुन करते रहेंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने तलबा के सरकारी कर्जों पर सूद माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम छुट्टियों के बाद तलबा की तालीमी इदारों में वापसी पर उनकी कामयाबी में तआवुन करते रहेंगे। कैनेडियन वजीर आजम की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि कनाडा स्टूडेंट्स एंड एप्रेंट्स लोन्स पर सूद मुस्तकिल खत्म कर दिया गया है। याद रहे कि 75% कैनेडियन तालबे इल्म हुकूमती कर्जों पर इन्हिसार करते हैं और बाकी प्राइवेट बैंकों से कर्जे लेते हैं। 17 लाख तालबे इल्म हुकूमत के मकरूज हैं, जिन पर औसतन $26,000 का कर्जा है। ताहम मेडिकल और उससे वाबस्ता शोबों के तालबे इल्म इस रकम से ज़ायद मकरूज हैं और उन कर्जों पर सूद की शरह कम अज़ कम 2.5% है। तुलबा को तालीम मुकम्मल करने के 6 माह बाद या नौकरी मिलने पर छोटी छोटी किस्तों में सरकारी कर्ज वापस करना होता है। ट्रूडो का कहना था कि हमने कैनेडा स्टूडेंट लोन और कैनेडा प्रिंट्स लोन पर सूद को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया है और जैसे ही नौजवान आने वाले दिनों और हफ्तों में कैंप्स में वापस जाएंगे, हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करते रहेंगे कि उन्हें कामयाबी के लिए दरकार तआवुन हासिल है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अगले हफ्ते इंडोनेशिया, सिंगापुर और भारत के तूफानी दौरे के लिए एशिया का दौरा करेंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अगले हफ्ते इंडोनेशिया, सिंगापुर और भारत के तूफानी दौरे के लिए एशिया का दौरा करेंगे। इस सफ़र में नई दिल्ली में G20 रहनुमाओं की सरबराही कॉन्फ्रेंस और जुनूब मशरकी एशिया के बढ़ते हुए खित्तों में इक्तिसादी ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज करना शामिल है, क्योंकि कनाडा उभरते हुए चीन के मुतबादल की तलाश में है। जकार्ता में ट्रूडो जुनूब मशरकी एशियाई ममालिक की एसोसिएशन के इजलास में शिरकत करेंगे, जहाँ 10 ममालिक का ग्रुप कनाडा के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के माहदे की तौसीक करेगा। सिंगापुर में अगला पड़ाव कनाडा और कनाडा की बरामदात में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए शहर रियासत के सरबरा हुकूमत और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें करेगा। ट्रूडो इसके बाद G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जहां वो मौसमियाती तब्दीली पर तआवुन,
गरीब रियासतों के लिए बैनुल अक्वामी मालियाती इस्तेहार और तवानाई की सलामती पर तवज्जो मरकूज करने का इरादा रखते हैं। एक न्यूज रिलीज से पता चलता है कि ट्रूडो हर मुल्क में सिर्फ 2 दिन गुजारेंगे, जिसकी तवज्जो तिजारत और काबिल इस्तेआत को बढ़ाने पर मरकूज है। कनाडा एक ब्लॉक के तौर पर हिंदुस्तान, इंडोनेशिया और आसियान के साथ अलहदा तजारती माहदों के लिए बातचीत कर रहा है। G20 में लिबरल्स का कहना है कि ट्रूडो रूस की यूक्रेन से दस्तबरदारी की वकालत करेंगे। इसके बावजूद ग्रुप ऑफ 20 के बहुत से अरकान ने मास्को पर तनकीद करने के खिलाफ इंतखाब किया है। ट्रूडो के दफ्तर से बुध को जारी होने वाली खबर में कहा गया है कि आलमी बहरानों से निमटने के लिए बाहमी ताउन के साथ काम करना और रूस को जवाबदेह रखना G20 की सालमियत और तासीर को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। सरबराही इजलास के मेजबान भारत इस साल दीगर G20 प्रोग्राम्स में इस मसले पर बात करने से गुरेजा है और उसने कनाडा जैसे ममालिक की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सरबराही इजलास में शिरकत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। लिबरल्स अपनी हिंद बहरुल काहिल की हिकमत अमली के इर्द गिर्द इस सफर को तरतीब दे रहे हैं, जिसे उन्होंने नवंबर 2022 में चीन के अलावा दीगर ममालिक के साथ करीबी इक्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात तलाश करने के मकसद के साथ जारी किया था। वजीर तिजारत मैरी एनजी ट्रूडो के साथ इंडोनेशिया और सिंगापुर के दौरे पर जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं। टोरंटो के शहरी अगस्त के महीने में मामूल से जायद सर्द मौसम के बाद एक बार फिर गर्म मौसम के लिए तैयार हो जाए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो के शहरी अगस्त के महीने में मामूल से ज्यादा सर्द मौसम के बाद एक बार फिर गर्म मौसम के लिए तैयार हो जाएं। अगस्त के आखिरी 2 दिनों में GTA का मौसम खिजां जैसा रहेगा, लेकिन यौम मजदूर के तवील वीकेंड के दौरान मौसम में गर्मा जैसे हालात वापस आने की उम्मीद है। टोरंटो में अगस्त में 30 सेंटीग्रेड का एक भी दिन नहीं देखा गया और जुमेरात के अवाइल में कॉटेज काउंटी के कुछ हिस्सों के लिए ठंड से मुतालिक मशवरे हैं, जहाँ दर्जा हरारत रातों रात सिंगल हिंसों में गिर गया। माहरीन मौसमियात का कहना है कि सितंबर के आते ही शहर पर गर्मी का जोर बनने पर रुझान उल्टा हो जाएगा। इतवार से बुध तक GTA से 30 की दहाई की कम तरीन सतह पर दिन के वक्त की ऊंचाइयों का 4 दिन का सिलसिला देखने की तवक्को है। टोरंटो और GTA जुमेरात को सूरज की रोशनी के साथ 22 सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत देखेंगे। इससे पहले कि चीजें रातों रात कम नौ उम्रों में डूब जाए, जुमे के रोज ये कदरे गर्म और धूप होगी, जिसमें 24 सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द ज्यादा है, इससे पहले के तवील वीकेंड के लिए चीजें वाकई गर्म हो। माहरीन के मुताबिक दर्जा हरारत पीर तक 40 की तरह महसूस होगा और ये मंगल और बुध तक बढ़ेगा। सिटी ऑफ टोरंटो ने रिहायशियों को रिलीफ फराहम करने के लिए 10 आउटडोर पोल्स की अख्तितामी तारीखों में 3 हफ्तों की तौसी कर दी। शहरी हुकूमत का कहना है कि शहर भर में 140 से जायद स्प्लैश और स्प्रे पैड भी 17 सितम्बर तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के दरमियान काम करते रहेंगे। समंदरी तूफान एडेला अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकरा गया। 3 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। समंदरी तूफान एडेला अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकरा गया। 3 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। समंदरी तूफान एडेला अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराने के बाद जॉर्जिया की तरफ बढ़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तूफान 125 मील प्रति घंटा रफ्तार की हवाओं के साथ मगरबी साहिलों से टकराया। फ्लोरिडा के मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद कर दिए गए। टाम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल हो चुकी हैं। कौमी समंदरी तूफान मरकज ने फ्लोरिडा, जॉर्जिया और जनूबी कैरोलिना के जनूबी हिस्सों में समंदरी तूफान और तूफानी लहरों की वार्निंग जारी कर दी, जबकि मुतासरा साहिली पट्टियों से शहरियों की नकल मकानी भी शुरू हो गई है। 2 लाख से ज्यादा सार्फीन बिजली से महरूम है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीका की साहिली रियासतें समंदरी तूफान की जद में हैं। रियासत फ्लोरिडा से टकराने के बाद तूफान एडेला की शिद्दत कैटेगरी 3 से कम होकर कैटेगरी 1 हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी कैरोलिना जाने से पहले तूफान की शिद्दत मजीद कम होने का इम्कान है। समंदरी तूफान के फ्लोरिडा के साहिल से टकराने के बाद 3 अमरीकी रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने अमरीका में मुकीम अपने शहरियों को समंदरी तूफान एडेला से मोहतात रहने की हिदायत करते हुए कहा कि शहरी तूफान और खराब मौसमी हालात से निमटने के लिए खसूसी हिदायत पर अमल करें। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोबारा सदर बना तो सियासी दुश्मनों के साथ वही करूँगा जो इस वक्त मेरे साथ किया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोबारा सदर बनना तो सियासी दुश्मनों के साथ वही करूंगा जो इस वक्त मेरे साथ किया जा रहा है। अपने एक इंटरव्यू में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे खिलाफ तमाम केसेस के पीछे
जो बाइडन का हाथ है और ये तमाम झूठ पर मबनी है। अपने बयान में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को वार्निंग जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को अपने दौरे इक्तदार में गिरफ्तार न करने के सवाल पर कहा कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि औरत जिससे मैं कभी नहीं मिला उसने मुझ पर जिंसी ज्यादती का इल्जाम लगाया, उसके पीछे डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स को वार्निंग देते हुए ट्रंप ने कहा, दोबारा सदर बना तो सियासी दुश्मनों के साथ वही करूंगा जो इस वक्त मेरे साथ किया जा रहा है। साबिक अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि मेरे खिलाफ तमाम केसेस के पीछे अमरीकी सदर जो बाइडन का हाथ है। वाजह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप को 2020 का इलेक्शन खराब करने और खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखने के मामलों में इस वक्त 91 क्रिमिनल चार्जेस का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।